हेलो फ्रेंड्स, जो आज हमारा टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। इकोनॉमिक्स में हम टॉपिक आज डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन इट मीन्स मुद्रा स्फीति। तो मुद्रा स्फीति के बारे में आज हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे मुद्रा स्फीति होती है और मुद्रा स्फीति के टाइप क्या है, तो इन्फ्लेशन होने का कारण क्या होता है, तो इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। जो हमारा टॉपिक है आज वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इट मीन्स मुद्रा स्फीति। मुद्रा स्फीति इन्फ्लेशन मीन्स होता है मुद्रा स्फीति। मुद्रा स्फीति इट मीन्स इसका मतलब होता है महंगाई। इसका जो जनरली मीन्स होता है वो होता है महंगाई। तो आज हम इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य में वृद्धि। जो गुड्स है तथा सर्विस है उसके मूल में वृद्धि कर देना, यानी उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाए। इसका तात्पर्य है वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य में वृद्धि। मूल्य में वृद्धि इसका तात्पर्य है वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य में वृद्धि। वस्तु का मतलब होता है गुड्स एंड सेवाओं का मतलब होता है सर्विस। यानी गुड्स और सर्विस के मूल्य में वृद्धि करना, यानी जो गुड्स है जो वस्तु है और जो सर्विस है उसके मूल्य में वृद्धि करना। सर्विस किसी भी प्रकार की सर्विस हो सकती है और गुड्स किसी भी प्रकार की वस्तु होती हो सकती है, उसके मूल्य में वृद्धि होती है तो हमें इन्फ्लेशन पता चलती है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल की ये एक मार्कर है, ये एक मार्कर है, तो ये क्या है, अभी मान लेते हैं 20 रुपए का मिल रहा है, लेकिन जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो यही मार्कर 30 रुपए में मिलेगा। महंगाई बढ़ी तो महंगाई बढ़ने के कारण 30 रुपए का मिल रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, गुड्स है ये मार्कर, क्या है गुड्स है वस्तु है, तो इसके मूल्य में वृद्धि हुई ना। तो इन्फ्लेशन मतलब जो वस्तु है वस्तु के मूल्य में वृद्धि, या कोई सर्विस भी हो सकती है तो सर्विस के मूल्य में भी वृद्धि हो रही है। तो क्या है, वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी किंतु मुद्रा के मूल्य में कमी होगी। किंतु इस अवस्था में मुद्रा के मूल्य में कमी होती है। यानी क्या होगा, यानी ये गुड्स जो है इसका रेट में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन जो मुद्रा का मूल्य है मुद्रा के मूल्य में कमी हो रही है। यानी पहले क्या है, 20 रुपए में एक मार्कर मिल जा रहा था, अब ये 30 रुपए में एक मार्कर मिल रहा है। क्या मुद्रा के मूल्य में कमी हो रही है, अब हमें ज्यादा मुद्रा देना पड़ रहा है, ज्यादा करेंसी देने पड़ रही है, ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं तब हमें वो चीज मिल रही है। यानी पहले इस मार्कर के लिए 20 रुपए दे रहा था, अब इस मार्कर के लिए मैं 30 रुपए दे रहा हूं, तो इट मीन्स ऑटोमेटिक क्या है कि अब मुद्रा की जो मूल्य है वो घट गया, कि अब मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं इस मार्कर को खरीदने के लिए। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे का विपरीत होता है। ये दोनों एक दूसरे का विपरीत होता है, एक दूसरे का विपरीत होता है। तो यहां समझना है कि वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होगी लेकिन मुद्रा के मूल्य में कमी होगी, और ये दोनों एक दूसरे का विपरीत होगा। इसको और अगर हम टेक्निकल देखें तो क्या हो जाएगा, वीएम वीएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, यानी वीएम जो है व्युत्क्रमानुपाती है पी के, 1/P के, 1/P के और अनुत्क्रम, ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वीएम इक्वल टू होगा वैल्यू ऑफ मनी, जो मुद्रा का मूल है, यानी वैल्यू ऑफ मनी, और प्रोडक्ट गुड्स हो सकता है एंड सर्विस हो सकती है। तो क्या हो जाएगा, वस्तु तथा सेवा के मूल्य में तो वृद्धि हो रही है लेकिन वैल्यू ऑफ मनी उसके मूल्य में कमी हो रही है। और अगर वैल्यू ऑफ मनी के मूल्य में, यानी जो मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होगी तो वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य में कमी होगी। ये हो गया। तो इसके बारे में और हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये जो होता है
क्या इन्फ्लेशन किस टाइप कितने टाइप का हो सकता है? इन्फ्लेशन दो टाइप का हो सकता है, एक तो हो सकता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और सेकंड हो सकता है कांस्टेंट पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इट मींस लागत मूल्य, लागत प्रेरित मूल्य, और कांस्टेंट पुल इन्फ्लेशन इट मींस हो जाएगा लागत प्रेरित मूल्य। तो ये दोनों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इन्फ्लेशन के दो टाइप हो सकते हैं, एक हो सकता है मांग, होता है मांग प्रेरित मूल्य, या कि इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एंड दूसरा होगा लागत प्रेरित मूल्य, लागत प्रेरित मूल्य, ये इसको बोलेंगे कांस्टेंट पुल इन्फ्लेशन। ये दो टाइप के होते हैं, एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड एक कांस्टेंट पुल इन्फ्लेशन। आज जो हमारा डिस्कशन होगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कांस्टेंट पुल इन्फ्लेशन और बाकी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को देख लेते, क्या डिमांड जब बढ़ेगी ना तो मुद्रा के मूल्य में भी वृद्धि होती है। डिमांड बढ़ेगी तो मुद्रा के मूल्य में भी वृद्धि होगी। तो अब यहां देख लेते हैं डिमांड बढ़ने के कारण। नहीं सॉरी, ये है डिमांड पुल इन्फ्लेशन इट मींस, डिमांड पुल इन्फ्लेशन इट मींस क्या है, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी लेकिन मुद्रा के मूल्य में वृद्धि नहीं होगी, वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होगी। जो लास्ट हमने बोला कि मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होगी, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि नहीं होगी, वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होगी, वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होगी, के मूल्य में वृद्धि होगी। मुद्रा के मूल्य में तो कमी होगी, डिमांड बढ़ेगी तो मुद्रा के मूल्य में कमी होगी, लेकिन ये क्या है, डिमांड बढ़ेगी तो वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होगी। अब डिमांड बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, डिमांड बढ़ने के कारण कौन कौन से रीजन रिस्पॉन्सिबल है डिमांड बढ़ने के? तो सबसे पहले तो उत्पादन में कमी, यानी प्रोडक्शन में कमी आना। सेकंड नंबर हो जाएगा आय में वृद्धि होना, जो इनकम का ज्यादा बढ़ना। फिर तीसरा हो जाएगा सरकारी जो सरकारी नॉन प्रोडक्टिव व्यय है उसमें वृद्धि होना। चौथा हो जाएगा जनसंख्या में वृद्धि होना, जो जनसंख्या पॉपुलेशन की ग्रोथ होना ना? तो इस तरीके से हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला हो जाएगा उत्पादन में कमी, पहला उत्पादन में कमी, एंड सेकंड इज आय में वृद्धि, आय में वृद्धि। उत्पादन में कमी मतलब प्रोडक्शन कम होना, आय में वृद्धि मतलब इनकम लेवल का बढ़ना। थर्ड इज सरकारी नॉन प्रोडक्टिव व्यय में वृद्धि, जो सरकारी नॉन प्रोडक्टिव व्यय में वृद्धि। चौथा नंबर हो जाएगा जनसंख्या में वृद्धि। पांचवा हो जाएगा आर्थिक विकास की दर में वृद्धि, आर्थिक विकास की दर में वृद्धि, आर्थिक विकास की दर में वृद्धि। छठा हो जाएगा विदेशी मुद्रा के अंतः प्रवाह में वृद्धि, अंतर प्रवाह में वृद्धि, जो विदेशी मुद्रा के अंतर प्रवाह में वृद्धि। ये हो जाएगा आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, जमाखोरी एवं कालाबाजारी।
कालाबाजारी। फिर और हो जाएगा प्राकृतिक आपदा, ना एक दो तीन चार पांच छह सात, और इसके अलावा हो जाएगा आपूर्ति, आपूर्ति संबंधित बाधा और आपूर्ति श्रृंखला समस्या, आपूर्ति श्रृंखला समस्या यानी आपूर्ति संबंधित बाधा, आपूर्ति संबंधित बाधा या आपूर्ति श्रृंखला, आपूर्ति श्रृंखला समस्या। और इसके अलावा और अगर बात करें तो मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, आपूर्ति में वृद्धि। अब क्या कर लेते हैं हम एक एक को बिल्कुल ब्रॉडली हम डिस्कस कर लेते हैं। एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास था उत्पादन में कमी, उत्पादन में कमी, उत्पादन में कमी मतलब प्रोडक्शन कम होना, प्रोडक्शन कम होना, प्रोडक्शन कम हो गए। जस्ट लाइक एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है कोविड 19 के कारण, तो कोविड 19 के कारण क्या हो रहा है, प्रोडक्शन में कमी हो रही है, प्रोडक्शन में कमी हो रही है, तो ऑलरेडी उसके क्या हो जाएंगे, उसके क्या हो गए, डिमांड तो बढ़ रही है। डिमांड जैसे अभी घर बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो डिमांड बढ़ रही है। लाइक जस्ट लाइक सीमेंट, सीमेंट का एग्जांपल कि भाई सीमेंट की तो डिमांड है, लेकिन क्या है, प्रोडक्शन बंद है और सप्लाई पूरी तरीके से बाधित है, यानी सप्लाई भी नहीं हो रही और प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है, तो सीमेंट के रेट ऑटोमेटिक बढ़ गए, सीमेंट के रेट बढ़ गए, क्यों, चूंकि प्रोडक्शन में कमी है ना। जस्ट लाइक एग्जांपल कि भाई सीमेंट के रेट बढ़ गए ना, चूंकि उसके प्रोडक्शन में कमी है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा बट डिमांड है, तो क्या है ये पूरा का पूरा किसके बेस्ड होता है, डिमांड एंड सप्लाई के रूल पे, डिमांड एंड सप्लाई के रूल पे, कि अगर उसकी डिमांड है लेकिन अगर उसकी सप्लाई नहीं हो रही है तो उसके रेट बढ़ जाएंगे, और अगर उसकी डिमांड नहीं है और उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही है तो फिर यह इन्फ्लेशन होगा। तो डिमांड एंड सप्लाई के रूल पे यह होता है। और अगर दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, जस्ट लाइक भाई एक कार है, कार है, कार का प्रोडक्शन नहीं हो रहा लेकिन उस कार की डिमांड है। जैसे एक कार है उसको खरीदने वाले 8-9 लोग, तो जिसके पास ज्यादा पैसा होगा उस चीज को वो खरीदेगा, क्योंकि क्या इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा और मार्केट क्या है, फुल ऑन कंपटीशन पे चलता है, उसको गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती कि किसका क्या रेट होगा, वो मार्केट डिसाइड करता है कि भाई डिमांड एंड सप्लाई के रूल पे कि वो इस चीज का कितना मूल्य होगा। तो अगर कार का प्रोडक्शन कम होगा, सप्लाई कम होगी लेकिन उसकी डिमांड है, तो ऑटोमेटिक उसके रेट बढ़ेंगे। तो उत्पादन में जो कमी है ये इस तरीके से होगी। इसके बाद जो होगा सेकंड नंबर था हमारा आय में वृद्धि, आय में वृद्धि, आय में वृद्धि मतलब इनकम लेवल का बढ़ना, इनकम लेवल का बढ़ना, इनकम लेवल का बढ़ना। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल कि मेरी सैलरी पहले 10,000 थी, 10,000 थी, बट अभी मेरी सैलरी कितनी हो जाएगी, 50,000 हो गई। तो क्या है कि अब क्या है, मेरी सैलरी बढ़ गई, तो अब क्या है, जब मेरी सैलरी बढ़ गई तो मैं अपनी सैलरी के हिसाब से, चूंकि मेरे पास ज्यादा पैसे हैं, तो उस हिसाब से अब मैं क्या खरीदारी करूंगा, अब मेरी जरूरतें भी बढ़ जाएंगी, मैं डिमांड करूंगा, अब मैं उस पैसे को लेकर मार्केट में जाऊंगा, और जब मार्केट में जाऊंगा देन मैं चीजों को खरीदूंगा, चीजों को खरीदूंगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, बट उसकी सप्लाई तो उतनी है, चूंकि भाई इनकम लेवल बढ़ा है लेकिन सप्लाई तो उतनी ही है ना, प्रोडक्शन तो उतना ही है, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हो नहीं रहा है बट इनकम बढ़ गया है, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी लेकिन वस्तु तथा सेवा क्या है, बाधित है, तो इससे रेट भी बढ़ेंगे उसके, ये हुआ, तो इससे क्या हो जाएगा, वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य बढ़ जाएंगे। और दूसरा एग्जाम्पल वही सेवंथ पे कमीशन अगर लग गया, तो सेवंथ पे कमीशन के पास लोगों के पास ज्यादा पैसे आ गए, जब लोगों के पास ज्यादा पैसे आ गए तो वो भी उसका ज्यादा खर्चा करेंगे, लोग ज्यादा उसका खर्चा करेंगे लेकिन क्या है, मार्केट में सप्लाई तो उतनी ही है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो उसके बाद भी फिर यही होगा। तो इस तरीके से आय में वृद्धि का भी एग्जाम्पल, इस तरीके से क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा।
थर्ड क्या था, सरकारी, नॉन प्रोडक्टिव, व्यय में वृद्धि। सरकारी नॉन प्रोडक्टिव यानी जिसका बहुत ज्यादा उसका गवर्नमेंट को फायदा नहीं मिलेगा, नॉन प्रोडक्टिव है। जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल सब्सिडी, सब्सिडी पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर देती है तो उसका लाभ उतना ज्यादा मिलता नहीं है, क्योंकि उससे क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ती है। इन्फ्लेशन सब्सिडी क्या है, सब्सिडी क्या है, लोगों के पास पैसे तो गवर्नमेंट दे दी बट क्या है, मार्केट तो वैसा ही है, यानी मार्केट में सप्लाई तो हो नहीं रही है, प्रोडक्शन बिल्कुल बंद है, बट लोगों के पास अब पैसा आ गया तो अब वो पैसों का क्या करेंगे, जब पैसे उनके पास ज्यादा रहेंगे देन वो मार्केट जाएंगे तो भाई डिमांड बढ़ेगी, लेकिन सप्लाई तो उतनी है तो उसके रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। तो क्या है, यहां से भी जो डिमांड एंड सप्लाई की चेन प्रभावित होगी तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो सरकारी व्यय में भी वृद्धि, इसके बाद जो है जनसंख्या में वृद्धि, इसके बाद जो है हमारे जनसंख्या में वृद्धि यानी पॉपुलेशन में वृद्धि। अब भाई जनसंख्या में वृद्धि हो गई यानी पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई तो क्या है, जो जितनी भी जनसंख्या बढ़ी है उनकी जो डिमांड है उसको भी तो फुलफिल किया जाएगा, लेकिन सप्लाई नहीं हो रही यानी प्रोडक्शन उतना ही है, गिरा हुआ है, क्योंकि क्या है अभी जो हमारा एडमिट जो हमारा देश है उसकी आर्थिक अर्थव्यवस्था बिल्कुल गिरी हुई है क्योंकि लॉकडाउन, बट जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो बढ़ी हुई जनसंख्या के डिमांड को फुलफिल करने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, और जिन लोगों के पास पैसे हैं तो उस पैसों का वो यूज करेंगे और डिमांड को बढ़ाएंगे, तो क्या हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो तो डिमांड कर लेगा लेकिन जिसके पास नहीं है उसके वो नहीं कर पाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो फिर वही आपका डिमांड बढ़ेगी बट सप्लाई नहीं है तो कौन सा रूल, तो क्या इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो जनसंख्या में वृद्धि कभी हो गया। फिर इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं का की जमाखोरी एवं काला बाजारी, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसकी जमाखोरी करना और काला बाजारी करना। आवश्यक वस्तुएं जस्ट एग्जांपल कि भाई कोई भी आवश्यक वस्तु है उसको क्या स्टॉक कर लीजिए आप, तो जब आप उसका स्टॉक करोगे तो वो मार्केट में वो चीजें उपलब्ध नहीं होगी, जब मार्केट में वो चीजें उपलब्ध नहीं होगी लेकिन उसकी डिमांड है तो क्या वो उसके रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, क्योंकि भाई जो डिमांड करेगा उसके पास पैसे होंगे वो उसको खरीद लेगा, तो इससे क्या होगा कि चीजें वहां पे कम हो जाएगी लेकिन डिमांड उसकी ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, तो इस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। जस्ट लाइक एग्जांपल प्याज के रेट बढ़ जाते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, डिमांड तो बढ़ रही है लेकिन सप्लाई उतनी हो नहीं रही है, क्योंकि वो पहले चीजों को स्टॉक करके रख लिया गया, उन्होंने जैसे व्यापारियों ने स्टॉक कर लिया कि भाई जब महंगाई बढ़ेगी तब हम उसको ऊंचे रेट में बेचेंगे, लेकिन इससे क्या हो जाएगा, पब्लिक को इससे नुकसान होता है क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है, तो ये आवश्यक वस्तुएं एवं जमाखोरी ये हो गया। इसके अलावा जो है विदेशी मुद्रा का अंतः प्रवाह वृद्धि, विदेशी मुद्रा जस्ट लाइक एग्जांपल डॉलर, $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज ना, कि भाई डॉलर जो है वो रुपए से बहुत ज्यादा है, उसका मूल्य बहुत ज्यादा है, तो अगर विदेशी मुद्रा रहेगी, फॉरेन करेंसी रहेगी तो क्या है, हमारा मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा रहेगी, हमारे मार्केट में तरलता बहुत ज्यादा रहेगी लेकिन सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं रहेगी, लोगों के पास पैसे हैं लेकिन सप्लाई उतनी ज्यादा है नहीं, वो उनके पास पैसे हैं लेकिन वो चीजों को खरीद नहीं सकते क्योंकि चीजें क्या है कम है, तो क्या होगा उसके रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, यानी वो क्या है डिमांड एंड सप्लाई का रूल यहाँ पे भी लगेगा। ये हो गए विदेशी मुद्रा के अंतर प्रवाह में वृद्धि। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ का आना, सूखे का आना, तो बाढ़ के आने या सूखे के आने में भी यही कंडीशन है कि भाई बाढ़ आ गई तो फसलों को नुकसान हो गया, सूखा आ गया तो फसलों को नुकसान हो गया, जब फसलें नहीं रहेंगी लेकिन डिमांड तो है भाई, जो फूड ग्रेन है उसकी जरूरत तो है लेकिन क्या है मार्केट में वो चीजें उपलब्ध नहीं, जब मार्केट में वो चीजें उपलब्ध नहीं होगी तो ऑटोमेटिक वो चीजें उस चीज का रेट बढ़ जाएगा, तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी इन्फ्लेशन आती है। ये हो गया इसके अलावा आर्थिक विकास की तीव्र दर, आर्थिक विकास की तीव्र दर,
जब आर्थिक विकास होगा तब लोगों के पास क्या होगा, जब जीडीपी ज्यादा होगी तो लोगों के पास पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा होगी, जब लोगों के पास इनकम ज्यादा होगी तो क्या वो डिमांड भी ज्यादा करेंगे, लेकिन सप्लाई बाधित है तो वही डिमांड एंड सप्लाई का रोल लगेगा और यहां भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। फिर आपूर्ति आपूर्ति संबंधित बाधाएं एवं आपूर्ति श्रृंखला समस्या। आपूर्ति का मतलब ही होता है सप्लाई, यानी सप्लाई रिलेटेड जो जो बर्डन आ रहे हैं, यानी सप्लाई चेन में जो प्रॉब्लम है उसके कारण रेट बढ़ेगा, क्योंकि जब सप्लाई ही नहीं होगी तो रेट तो वैसे भी उसके बढ़ेंगे, यानी इन्फ्लेशन ज्यादा होगी। अब सप्लाई नहीं होगी तो क्या है, डिमांड बढ़ रही है, यानी मुझे उस चीज की जरूरत है लेकिन वो चीज मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो क्या है कि इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। तो ये हो गया। एंड थर्ड जो हो गया मुद्रा के की आपूर्ति में वृद्धि, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि यानी करेंसी का है। क्या आरबीआई क्या कह रहे, रेपो रेट कम कर दे तो इससे क्या हो जाएगा, इससे जो होगा मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, लोगों के पास अब पैसे हैं लेकिन सप्लाई ज्यादा नहीं हो रही, प्रोडक्शन कम है, तो उससे क्या हो जाएगा, यहां भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। या फिर आरबीआई जो ज्यादा करेंसी छाप दे तो लोगों के पास ज्यादा पैसे हो गए कि अब लोगों के पास पैसे हो गए अब आप अपनी जरूरत पूरी कर लो, लेकिन जब जब करेंसी ज्यादा होगी तो फिर क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक उस चीज को आप नहीं खरीद पाओगे। तो ये हो गया। तो इस तरीके से जो था हमारा लागत प्रेरित, जो हमारा डिमांड यानी मांग प्रेरित मूल कंप्लीट होता है, कि ये जो चीजें डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है कि ये सारे कारक होते हैं, यानी ये सब रीजन रिस्पॉन्सिबल है। तो ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे कांस्टेंट पुल इन्फ्लेशन के बारे में, और फिर उसके बाद मुद्रा स्फीति की मापक के बारे में कि कौन सा होता है, सीपीआई डब्ल्यूपीआई क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इन्फ्लेशन का भारत में क्या प्रभाव पड़ रहा है, फिर विश्व में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, पूरी वर्ल्ड की जीडीपी में क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ये सब चीजों को हम लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। सो ये लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।